हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग शुरू होता है सुबह के 8 बजे से, मतलब 8 नहीं बजे हैं अभी, 7:45 सुबह हैं। तो फिर मैंने सोचा आज ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, और मतलब नहाना धोना सारा काम हो चुका है। अभी चाय भी बना के रख दी है, आप सभी को भी दिखा रहे हैं। दूध भी उबलने के लिए रख दिया है, मतलब दूध उबल चुका है। और उसके बाद अभी हमारे यहाँ, और आज है अमावस, तो सावन की मतलब अमावस है, बहुत ही अच्छी होती है पूजा पाठ के लिए। यहाँ पर देखिए दूध भी उबल चुका है और दाल बनने के लिए रख दी है। तो आज मैंने चना दाल और उड़द दाल जो मिक्स बनाऊंगी, वो अच्छी लगती है खाने में। और इधर चाय भी अभी बनी रखी है, किसी ने नहीं पी है क्योंकि पापा गए हैं अमावस पर और नहा के, और अभी मतलब पति जी उठे हैं तो उन्होंने नाश्ता वगैरह नहीं किया। अब आप सब तो आप सभी को बाहर का दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए कितने अच्छे फूल लग रहे हैं, बिल्कुल नीचे आप लोग देख सकते हैं कितने नीचे फूल लगते हैं। देखिए ये देखिए छोटा सा पेड़ है, बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत अच्छे अच्छे फूल लगते हैं इसमें। और दोस्तों सुबह के टाइम इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पौधों से ही पता चलता है। ये देखिए ये घास लगाई थी, ये कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, एकदम घनी घनी सी हो गई है सारी घास। देखिए बहुत ही अच्छी हो गई है, ये देखिए एकदम बारिश में बहुत ही अच्छी सुंदर दिखने लगी है। और यहाँ पर देखिए साफ सफाई हो गई है थोड़ी सी। अब घर चलते हैं, थोड़ा सा आप सभी को मैंने बाहर दिखा दिया, बहुत ही अच्छा लगता है बाहर सुबह के टाइम। यहाँ पर दोस्तों देखिए दाल बन चुकी है, और इसमें तड़का भी लगा दिया है, सिंपल तड़का लगाया है जीरा हींग और लाल मिर्च का। तो और अब मैं बनाने जा रही हूँ, चावल भी बन चुके हैं दोस्तों मेरे। रोटियाँ बनाऊंगी और सब्जी। और यहाँ पर देखिए ये जलेबी आई हैं, आज अमावस थी तो फिर यहाँ पर पापा जी लाए हैं जलेबी, तो ये फ्रिज में लगा दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, और जल्दी जल्दी से मतलब काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारी बेटी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो यहाँ पर आटा तो मैंने पहले ही लगा के रख लिया था, लेकिन इसको मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि आटा लगाने के बाद फिर रख देती हूँ, 10-15 मिनट हो जाते हैं तब उसको अच्छे से मसल लेती हूँ हाथों से, तो फिर रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आटा को मैंने अच्छे से गूँथ लिया है, उसके बाद बनाने लगी हूँ रोटियाँ गर्मा गर्म। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी मैंने बनाई है दाल के साथ थोड़ी सी। और संडे को मैं सुबह इसी तरह से खाना बनाती हूँ कि मतलब अगर दाल बनेगी तो फिर सब्ज़ी थोड़ी सी बना लेती हूँ, चावल रोटी, और थोड़ा लेट ही शुरू करती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी हमारे यहाँ कोई खाना नहीं खाता है। तो फिर 8 बजे के टाइम 8-8:30 बजे शुरू करती हूँ खाना बनाना, और 10 बजे तक बन जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना रही हूँ, और आप लोग देख रहे हैं एकदम गुब्बारे की तरह फूल रही हैं हमारी रोटियाँ। और दोस्तों आप सभी मुझे सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में। और बस आप सभी से हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप सब मुझे सपोर्ट करिए। यहाँ पर दोस्तों हमारी रोटी भी बन चुकी हैं, देखिए रोटियाँ मैंने बना ली हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं बस सभी के लिए बनाई हैं, और इसमें भी बच जाएंगी क्योंकि हमारे यहाँ रोटियाँ बहुत कम खाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मैगी 2 पैकेट। तो यहाँ पर 3 हमने हरी मिर्च को कट किया है 2 से 3, 2 टमाटर बड़े बड़े लिए थे, 2 मैगी के पैकेट ये हैं, और यहाँ पर 1 कटोरी प्याज लिया है, 2 बड़े प्याज थे। तो ये सब चीज़ें मैंने रख ली हैं क्या। तो दोस्तों इधर हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, इधर कढ़ाई भी रख दी है मैंने, तो इसमें सबसे पहले डालूंगी तेल। तो दोस्तों इधर मैंने तेल डाल के जीरा और हींग को डाल दिया है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई कर लिया था तड़का लगाने के बाद, और टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे से टमाटर हमारे पक चुके हैं, तो इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। हमने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सिर्फ दो चुटकी हल्दी डाली है, क्योंकि हल्दी किसी को नहीं पसंद है। वैसे तो बिल्कुल मैं बिना हल्दी की बनाती थी, लेकिन आज थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और अभी इसमें एक कटोरी पानी और डालूंगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने एक कटोरी पानी इसमें और डाल दिया है, और यहाँ पर ये देखिए मैगी मसाला है, तो ये दोनों पुड़ियाँ डाल दूँगी, दो पैकेट है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने ये पैकेट डाल दिए हैं, ये देखिए। तो एक डाल के देखा है, अभी एक रखा है, अगर कम लगेगा तो और डाल दूंगी, और इसके बाद इसमें ये डाल दे रहे हैं। तो मैं बस रसेदार हल्की होती है, बही अच्छी लगती है, तो यहाँ पर इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ दोस्तों, और जब पक जाएगी तब आप सभी को दिखाऊंगी। और यहाँ पर दोस्तों सुबह के लिए मैंने सब्जी को कट करके रख लिया है, देखिए। तो यहाँ पर सब्जी भी कट कर ली है परवल आलू की। दोस्तों यहाँ पर मैगी हमारी बन चुकी है, देखिए इस तरह से ही बनाते हैं, इसमें धनिया पड़ जाती तो और भी अच्छी लगती। तो बस मैं इसी तरह से मैगी बनाती हूँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो दोस्तों मैगी तैयार है, अब हम सभी को देनी जा रही मैगी। दोस्तों यहाँ पर मैगी तैयार हो चुकी है, तो सबसे पहले अपनी बेटी के लिए मैंने प्लेट में लगा दी मैगी, और उसे खिलाऊंगी। उसको ये चम्मच उसे बहुत ही पसंद है, खुश हो जाती है ये चम्मच देख के, तो थोड़ी बहुत खा लेगी इससे। और ये देखिए लेटी थी, बहुत जल्दी से उठ गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, अपने पापा के पास लेटी थी और वो फ़ोन चला रहे थे, ये लेटी थी, तो देखिए बहुत ही खुश होकर खा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर रात के बज रहे हैं 9:15, और आप लोग हमारी किचन को देख रहे हैं। बस मैं इसी तरह से, तो दोस्तों बस मैं इसी तरह से अपनी किचन को साफ़ करके रखती हूँ, कभी भी कोई भी जूठन वगैरह जैसे कि खाना बचा हुआ तो कभी कभी बच जाता है तो रख देती, वरना किचन को अपनी बस इस तरह से साफ रखती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर टेबल पर बर्तन रखे हैं, ये भी एकदम क्लीन। मैं ये स्लिप को बहुत ही अच्छे से साफ करके गैस को भी अच्छे से पोंछ के रखती हूँ। तो दोस्तों आप सभी को हमारा ब्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।